हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप देख रहे हैं किस तरीके से एक नौजवान ऐसा लग रहा है कि मानो कोई सिरफिरा हो, गुस्से में आकर रिवॉल्वर इस तरीके से हवा में लहराता हुआ उन प्रदर्शनकारियों के सामने आ गया जो नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध कर रहे थे। ना सिर्फ ये वहां पर सामने आता है बल्कि इसने गोली दाग दी, ये देखिए, और गोली लगी वहां शादाब नाम के एक शख्स के हाथ में। किसी और को गोली लगती, कहीं और गोली लगती तो किसी की जान जा सकती थी। ये देखिए, कोई बोल रहा है दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, बोल रहा है हिंदुस्तान जिंदाबाद, और पहले ये पैसों का पकड़ लो, देखिए पकड़ो, ओए रुक जा, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये देखिए, कोई बोल रहा है दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, बोल रहा है हिंदुस्तान जिंदाबाद, और पहले ये पैसों का पकड़ लो, देखिए पकड़ो, ओए रुक जा, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। ये देखिए, कोई बोल रहा है दिल्ली पुलिस, ये देखिए, कोई बोल रहा है दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, बोल रहा है हिंदुस्तान जिंदाबाद, और पहले ये पैसों का पकड़ लो, देखिए पकड़ो, ओए रुक जा, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। तो आपने देखा किस तरीके से वो तमाम बातें सामने आई हैं, क्या क्या ये कह रहा था, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इस तरह की बात कहता हुआ रिवॉल्वर लहराता रहा पुलिस सवालों के घेरे में। इसलिए क्योंकि आप देखेंगे बार बार, जैसा हम आपको कह रहे हैं कि इस वीडियो में पीछे कई पुलिसकर्मी हैं, आखिर पुलिस वालों ने इसे काबू में करने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया। आप देखिए, पुलिस वाले वहां पर तमाशबीन के तौर पर सिर्फ नजर आए हैं। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, जिस युवक ने गोली चलाई वो, और दूसरी तस्वीर शादाब आलम नाम का वो युवक जो गोली लगने से घायल हुआ है। सोचिए आप, अगर ये गोली कहीं और लग जाती किसी की जान जा सकती थी। इन सब के बावजूद पुलिस वहां पर सिर्फ खड़ी रही तमाशबीन के तौर पर, मूक दर्शक के तौर पर। वक्त रहते इस पर कार्रवाई पुलिस ने क्यों नहीं की। आइए सीधे आपको हम लिए चलते हैं ज्ञानेंद्र तिवारी के पास, हमारे साथ मौके से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। ज्ञानेंद्र, कुछ और अपडेट है अभी आपके पास? जी देखिए, अपडेट तो फिलहाल यही है अखिलेश, जो आप लगातार बता रहे हैं दर्शकों को कि एक प्रोटेस्ट निकलने वाला था जो राजघाट पहुंचने वाला था, और उस युवक ने जो फायरिंग की है उसके पीछे पुलिस भी खड़ी थी, और एक युवक घायल हुआ है उसमें। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, युवक को हिरासत में ले लिया गया है, और इसके बाद पुलिस पूछताछ में क्या निकलता है और पुलिस पूछताछ में क्या बात सामने आती है ये पता चल पाएगा, और तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी अखिलेश जी। लेकिन ज्ञानेंद्र, एक सवाल यह भी है, जब इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, जब एक केंद्रीय मंत्री मंच से नारे लगवा देते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो, और उसके बाद जो शब्द था वो भीड़ कहती है उसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो क्या ये उसकी एक परिणति है, लोग इस तरीके से सिरफिरे जो हैं सड़क पर निकल आ रहे हैं, गोली चला दे रहे हैं वाकई में? देखिए अखिलेश, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, जब एक देश के केंद्रीय मंत्री इस तरह का बयान दे कि गोली मारो, और जो हम बोल भी नहीं सकते हैं, तो फिर लोग निश्चित तौर पर बेखौफ हो जाते हैं। उसी बेखौफ होने का एक नतीजा है कि आप इतनी भीड़ में पहुंच जाते हैं जहां इतने सुरक्षा बल मौजूद रहते हैं, दिल्ली पुलिस रहती है, तमाम लोगों के सुरक्षा के सामने ये प्रोटेस्ट निकलता है, और उसके बाद आप अकेले खड़े होकर वहां पर गोली चला देते हैं, और गोली में एक युवक घायल हो जाता है। तो निश्चित तौर पर जो आप बात कह रहे हैं, इस बात से इंकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि जब बड़े जिम्मेदार पदों पर, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति और केंद्रीय मंत्री इस तरह के बयान देंगे, तो फिर लोग वैसे भी इस जो माहौल बना हुआ है, जो माहौल बनाया जा रहा है शाहीन बाग को लेकर, दिल्ली सियासत में, दिल्ली के चुनाव में जो दिख रहा है, तो निश्चित तौर पर लोग सामने आएंगे और इस तरह की हरकत बिल्कुल। और देखिए ज्ञानेंद्र, एक और गौर करने वाली बात है, जो हम वीडियो दिखा रहे हैं, ये शख्स हाथ में रिवॉल्वर लेकर कई कदम चलता हुआ दिखा है, लोगों को ललकारता रहा है। इस दौरान पुलिस चाहती तो काबू में कर सकती थी, चाहे उसे बल प्रयोग करना पड़ता, इसके पैर में गोली मारनी पड़ती, लेकिन पुलिस इसे काबू में कर सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और नतीजा देखिए, इसने गोली दाग दी, एक नौजवान घायल हो गया, उसकी जान भी जा सकती थी। वीडियो में स्पष्ट रूप से अखिलेश दिख रहा है जो आप बात कह रहे हैं, दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं, एक तरफ आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन में कि किस तरह से पुलिस पूरी खड़ी रहती है, और युवक उसके बाद भी वो कुछ कहता रहता है, उस बड़बड़ाता रहता है, उसके हाथ में पिस्तल है, और जो पूरी घटना को उसने अंजाम दिया, इससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि निश्चित तौर पर उसके अंदर कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, और उसको लगा था कि मैं शायद इस घटना को अंजाम देकर यहां से सकुशल बाहर निकल जाऊंगा। जी अखिलेश, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र तिवारी इस जानकारी के लिए आपका। इस खबर पर आप नजर बनाकर रखें, वाकई में इस तस्वीर ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं, और सवाल उन लोगों के लिए भी, उन बड़े मंत्रियों के लिए भी जो अक्सर इस तरीके के विवादित बयान दे देते हैं, कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं कि उसका देखिए आप क्या नतीजा अब निकलकर सामने आ रहा है। मैं शेखर कपूर
लेके आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।